सुनने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है उदासीनता के साथ सुनना, जैसे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने का अनुग्रह पूर्ण तरीका नहीं है। ऐसे में तुम किसी गुरु या मास्टर के सानिध्य में नहीं हो सकते। दूसरा तरीका है विरोधात्मक सुनना। तुम्हारे मन में पहले से ही धारणाएं हैं, समाज, शिक्षा, माता पिता से मिली हुई। तुम सुन तो रहे हो पर लड़ाई के साथ। ये तरीका पहले से बेहतर है, क्योंकि उदासीन व्यक्ति को बदलना असंभव है, लेकिन विरोधात्मक व्यक्ति को दोस्त बनाया जा सकता है। तीसरा तरीका है अनुग्रह पूर्ण सुनना, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी विश्वास या अविश्वास के, बस सुनना। ये सुनना ध्यान के साथ होता है, बिना मन के। सच्चाई की एक विशेषता होती है, अगर तुम इसे बिना पूर्वाग्रह के सुनते हो तो ये सीधा तुम्हारे दिल तक पहुंचती है और तुम्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। गुरु के साथ एक सच्चा संबंध तभी संभव है जब तुम बिना किसी धारणा के सुनो। याद रखो, सच्चाई आत्मस्पष्ट होती है, इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जब तुम सच्चाई को जान जाते हो तो ये मुक्ति देती है। ये तुम्हारे जीवन में अंतिम आनंद, अंतिम प्रस्फुटन और अस्तित्व की अंतिम सुगंध लाती है। प्रणाम।